एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू क्वेश्चन नंबर वन पार्ट एट पार्ट एट में हमें क्या दिया गया है ए की पावर फोर प्लस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी टू दावर फोर यहाँ पे हम इसको सारे प्लस में तो हम इसे इस आइडेंटिटी से कंपेयर करते हैं दैट इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी होल स्क्वायर अगर आपको ए और बी में कन्फ्यूजन हो तो आप इस आइडेंटिटी को ऐसे भी देख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ओके तो हम एक्स के तरीके से लेके चलते हैं बिकॉज ए और बी ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है तो इट विल बी अ क्वाइट कन्फ्यूजन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्स स्क्वायर एक स्क्वायर टर्म है ठीक है और यहाँ पे वाई स्क्वायर भी स्क्वायर टर्म है लेकिन यहाँ पे हमें पावर फोर में गिवन है तो हम इस पावर फोर को स्क्वायर टर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे कर पाएंगे हम ए स्क्वायर टू पावर स्क्वायर ओके अब ऐसे ही हम थर्ड टर्म को जो कि वाई स्क्वायर होना चाहिए उसको भी हम स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वो हो जाता है बी स्क्वायर का स्क्वायर अब आता है मिडिल टर्म मिडिल टर्म में हमारे पास बचता है टू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हम देखें हमारे पास मिडिल टर्म में टू एक्स वाई है सो यस एक्स की जगह पे ए स्क्वायर आ रहा है बी की जगह पे और वाई की जगह पे बी स्क्वायर आ गया बीच में टू एक्स वाई हम कंपेयर करें तो एक्स मिल गया ए स्क्वायर और वाई मिल गया बी स्क्वायर सो दिस आइडेंटिटी इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ऐसे यहाँ पे एक्स की जगह पे ए स्क्वायर बी की जगह पे वाई की जगह पे बी स्क्वायर तो ये हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर